योगदान दिया है वो बच्चों के पढ़ाई के लिए दिया है, बुक्स दिया है क्योंकि जो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब है वो खरीद नहीं पाते, और यूनिफॉर्म दिया है 52 स्टूडेंट्स को। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे जो बच्चे हैं वो बड़े होके कुछ अच्छा करें, अपने पैरों पे खड़े हो सके। बस हाँ, आना चाहिए उनको, अपना योगदान देना चाहिए ताकि ये सारे बच्चे भी मतलब बड़े होके कुछ बन मेरा नाम सके। इज़्ज़ता कुरैशी, आज हमारे स्कूल में बुक दिया गया और ड्रेस दिया गया, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं। और मेरा नाम सोनल मौर्य सुभाष चंद्र है। मैं अभी बहुत मतलब मेरे स्कूल में मेरे को बुक मिला है फ्री। मेरा नाम चांदनी मनोज नागरी है। आज मुझे बुक मिला और कपड़े मिले, मैं बहुत खुश हूँ मुझे सब मिलकर। मेरा नाम कंगना शर्मा है। मुझे आज यह पुस्तक मिली है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है अभिनव सेतकरी शिक्षण मंडल महाविद्यालय में, जहां पे आज कई संस्था मिलकर अभिनव के बच्चों को यहां पे नोटबुक और ड्रेस दे रहे हैं। मैं बता दूं कि जो संस्था है सीए रमेश पांडे, गोपाल जी, दीक्षित जी, पत्रकार अमित तिवारी जी, मुरारी लाल, रविकांत, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे बच्चों को नोटबुक और यहाँ पे ड्रेस दे रहे हैं। साथ साथ ये 1.5 लाख रुपये का चेक भी दे रहे हैं कि इन बच्चों के काम आ सके। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थित के तौर पर अभिनव कॉलेज के ट्रस्ट और प्रिंसिपल यहाँ पे खुद मौजूद थे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए लोगों से। उन्होंने अभिनव शिक्षण सेक्रेटरी मंडल से, मैं यहाँ पास होके इस स्कूल से यहाँ निकला हूँ। मैं हमेशा इस स्कूल में मदद करता हूँ और मदद करता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ जो भी विद्यार्थी ये स्कूल से उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, वो भी इस संस्था में आके गरीब बच्चों की हेल्प करें जो हिंदी माध्यम मराठी माध्यम में पढ़ रहे हैं, जिनको पेरेंट्स उनको प्राइवेट स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों की बढ़ चढ़ कर लोग मदद करें और ये बच्चे अपने जीवन में एक उच्च पद को प्राप्त करें, जहाँ वो जाके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस ट्रस्ट में या इस संस्था में गरीब बच्चों की आगे हेल्प करें। अभिनव विद्या मंदिर हिंदी माध्यम को दीक्षित साहब, सोलंकी साहब, रमेश चंद पांडे साहब की तरफ से हिंदी माध्यम माध्यमिक तथा प्राथमिक विभाग के बच्चों को शाले सामग्री का वितरण किया गया। उसके अंतर्गत कम से कम 52 बच्चों को उन्होंने यूनिफॉर्म दिया, लगभग 350 बच्चों को उन्होंने सुंदरम की नोटबुक दी है और 1.5 लाख का चेक दिया है, जिसमें 50,000 का चेक उन्होंने अभिनव सेतकरी शिक्षण मंडल को दिया है और 1 लाख का चेक उन्होंने अभिनव विद्या मंदिर हिंदी माध्यम प्राथमिक विभाग को दिया है। आज के जो भामाशाह अमित तिवारी जी, रमेश चंद पांडे जी, श्री मुरारी लाल जी, श्री अरुण रज्जन तिवारी जी, ये सभी लोगों ने, सीमा तिवारी जी, इन्होंने जो हमें आज मदद की है उसका अभिनव परिवार की तरफ से एक प्रधानाध्यापक होने के नाते मैं उन सभी का आभार और अभिनंदन। चाहते हैं बच्चों लोग अच्छे से पढ़े, जो भी जो बच्चों लोग को जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे अच्छे बच्चों, इन सभी बच्चों लोग के लिए।
हमारी संस्था रिधि शेट्टी चैरिटेबल ट्रस्ट है, 10 साल से गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, इन सबके लिए काम करते हैं, अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, और बहुत सारे आदिवासी एरिया में स्कूल में जाके सभी जगह नोटबुक है, पेन पेंसिल है, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बच्चे लोग को आगे शिक्षण के लिए बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि हिंदी संस्था आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग कितना आगे पढ़ेंगे उतना अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे कितना आगे बढ़ते हैं देश के लिए अच्छा है। पहले तो आप यहाँ हमारे स्कूल कैंपस में आए, इसके लिए आपका वेलकम, आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। सर मैं तो यही कहूँगा कि पहले बात ये रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट जो हमारे स्कूल के जो बच्चे पढ़ लिख के यहाँ से जो बाहर निकले हैं उनका जो ट्रस्ट है, उन्होंने हमारे बच्चों को लगभग आज 3 लाख की राशि के ड्रेस, नोटबुक्स और राशि जो बच्चों के लिए योगदान के लिए दी है, उस ट्रस्ट को मैं मेरी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से ढेर सारी मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही कहूँगा जितने भी मीरा भाईंदर में ग्रांटेड स्कूल है, अनुदानित स्कूल है, जिनके पेरेंट्स बच्चों को, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या बड़े स्कूल में जो पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन जो अपने मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योगदान, मैं तो कहूँ जहाँ जहाँ भी अनुदानित स्कूल है वो स्कूल में देना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है वो कहीं भी किसी भी स्कूल में जाके बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स की जो आर्थिक परिस्थिति नहीं है, उन बच्चों के लिए खास करके ऐसे जितने भी ट्रस्ट मीरा भाईंदर में हो, मुंबई में हो, या ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हो, जहाँ भी हो, हर ट्रस्ट ने आगे आके जितने भी जो स्कूल हैं अनुदानित उनको कुछ न कुछ योगदान देना ही अच्छा रहती है कि बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करें, कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी शिक्षा अनमोल है, वो कभी बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है, और वो कभी कम नहीं होती, उसको कोई ले नहीं सकता, मरते दम तक शिक्षा साथ में रहती है। तो जो मैं नहीं कर सका, मैं उतना नहीं पढ़ सका, कुछ परिवार मतलब आर्थिक कमजोरी थी, मेरी एक इच्छा है कि बच्चे लोग को मैं वैसा बनाऊं, कुछ योगदान दे सकूं कि वो आगे पढ़े बढ़े। मेरी वाइफ भी यहाँ पढ़ी अभिनव में, रीमा पांडे, मेरे साले साहब रमेश पांडे, सब लोग थे, तो इन लोगों का भी एक परिस्थिति देखता था, तो ये होता था कि आज मुझे अभिनव कॉलेज में आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस कॉलेज में मेरी वाइफ पढ़ी, मेरे साले पढ़े, पूरा परिवार था, उसमें आज आया हूँ, और मेरा जो भी योगदान रहेगा, मैं पहली बार आया हूँ, शिक्षा के लिए आगे मैं हमेशा रहूँगा, और जो योगदान होगा मैं जरूर दूँगा, बच्चे आगे बढ़े कुछ बन के। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे मेरे को किताब मिले, और मेरा नाम निमेश है, निमेश लोहार, बुक और ड्रेस में। आपका नाम क्या है? विकास कुमार।